नमस्कार, मैं रितु पाठक एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल रितु पाठक मल्टी टैलेंटेड में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पाउच कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये पाउच है। ऐसा पाउच आप घर में कैसे बना सकते हैं, ये बनाना बहुत ही आसान है। ये बनाने में लगभग आपको 10 मिनट लगेंगे और ये पाउच हम ट्रैवल करते समय या घर में मेकअप किट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवल करते समय हम इसको ब्रश वगैरह रख के ले जा सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा, आप जो चाहे रख सकते हैं, या पढ़ने वाले बच्चे इसे पेंसिल बॉक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा पाउच आप घर पे कैसे बना सकते हैं। पाउच बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है जो सबसे ज़रूरी है। एक हमें चैन चाहिए, दूसरा फॉर्म चाहिए और तीसरा हमें कपड़ा चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमारे घर में वेस्ट पड़ी हुई थी। हमने चैन जो है एक पुराने बैग से निकाला है और ये फॉर्म का जो टुकड़ा है वो हमारे घर में सूट था, उस सूट के अंदर है। सूट या साड़ी आते हैं तो उनके अंदर ऐसे फॉर्म के टुकड़े पड़े होते हैं, वो अक्सर हम फेंक देते हैं। आज मैंने उसका ही यूज़ किया है। और ये कपड़ा जो है, मैंने अपना एक सूट सिला था, उस सूट में से इतना बचा था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वेस्ट मटेरियल से कैसे आप एक अच्छा सा सुंदर सा दिखने वाला पाउच बना सकते हैं। हम कपड़े को ऐसे रखेंगे, दोनों तरफ कपड़े रखेंगे, बीच में फॉर्म रखेंगे। इसके बाद इसके किनारे से ऐसे इसको पकड़ के सिलाई कर लेंगे। ये ऐसे रखा कपड़ा और इसको ऐसे यहाँ से सिलाई करके पकड़ा। हमने कपड़े को 3 तरफ से सिल लिया है। ये देखिए, इस तरफ से, यहाँ ऊपर से और इधर से, और एक तरफ ये लंबाई में इसको खुला छोड़ दिया है। हम इसमें ऐसे तिरछे तिरछे जो है यहाँ से ऐसे ऐसे लाइनिंग करके सिलेंगे। आप तिरछे चाहें तो या आप सीधे चाहें, हम आपको सिल के दिखाते हैं। जैसे आप डिजाइन बनाना चाहें इसमें, आप वैसे बना सकते हैं। और ये एक तरफ हमने इसलिए खुला रखा है क्योंकि अगर कपड़ा छोटा पड़ जाए या बड़ा पड़ जाए तो वो इधर से अपना पूरा कर ले, कवर कर ले इसको। चलिए तो फिर आपको सिल के दिखाते हैं। ये देखिए, हमने एक साइड से इसको ऐसे सिल लिया है तिरछी तिरछी लाइनिंग में। अब हम इसको दूसरे तरफ से ऐसे, इस तरफ से ऐसे तिरछी लाइनिंग सिलेंगे। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर इधर से मैं ऐसे ही फिर से हम इसको सिल लेंगे। आप चाहे तो इसी पे अपना चैन लगा लें, लेकिन हम इसको एक बार और इधर से सिलेंगे। बिल्कुल इसमें वही डायमंड शेप आएगा। रखते हुए ऐसे इसको सिल लेंगे। कि हमने सिलाई करके कपड़े को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आप जो चाहे इसमें अपने मनपसंद की डिजाइन डाल सकते हैं। मैंने यही बनाया, ये आसान था। मैं अभी बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा इसको भी आप लोगों को दिखाऊं। कपड़े का एक कोना ऐसे रखेंगे, इसको जो हमारी लंबाई में थी एक तरफ से रखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे चैन लगाएंगे, ऐसे चैन रखेंगे, चैन को सिल लेंगे।
दोनों दूसरा वाला जो छोर है उस पे हम क्या करेंगे, ऐसे चैन लगाएंगे, जैसे उल्टे साइड इधर लगाया है इस साइड, ऐसे हम ऐसे उल्टा करके इधर ऐसे इधर इसको ऐसे रख के, चैन और कपड़ा ऐसे रख के यहाँ से रख के सीलन चला देंगे पूरी। बैग में चैन लगा लिया है, चैन पे हमने दो दो सिलन चला दी है। अब हम बैग को उल्टा करेंगे, अब ये इधर है, अब हम इसको सीधे साइड पलटेंगे। इसको हम पलट के फिर से चैन और कपड़े पे एक सिलन चला लेंगे, ताकि चैन बंद करते वक्त और खोलते वक्त कपड़ा चैन के अंदर ना आए। ये है, ये इस पे यहाँ ऐसे किनारे इस पे सिलन चला लेंगे। और ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा जहाँ पे चैन है ये लॉक, बाकी और जगह तो आसानी से हो जाएगा। या हम इसको चाहें तो चैन को पूरा खोल के ऐसे एक पार्ट यहाँ इसको बाहर कर दें और इसको हम फिर से लगा सकते हैं आसानी से। इसको यहाँ ऐसे कर दिया, ये चाहते तो हम पहले ही आसानी से लगा सकते थे निकाल के, लेकिन हमने नहीं लगाया। इस समय दिक्कत होती है सिलन चलाने में, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया, लॉक निकाल दिया। ये देखिए, अब इसको ऐसे हम इस पर ऐसे इसको यहाँ रखते हुए और इस कपड़े को अंदर से चैन और कपड़ा जो है बचा हुआ इसको अंदर रखते हुए ऊपर से सीलन चला लेंगे। से हमने चैन का हुक लगा लिया है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड से इधर से और इधर से बस सिल लेंगे। चलिए फिर हम आपको सिल के दिखाते हैं। इधर से ये जो कोना खुला हुआ था, ये हमारा जो सिरा, इसको ऐसे सिल लेंगे। आज चैन की तरफ हम आराम से सुई को चलाएंगे, क्योंकि चैन कड़ा होता है, सुई टूटने की डर होती है। इसके बाद हम इसको ऐसे सिल लेंगे। फाइनली हमारा बैग बनके तैयार है, पाउच। हम इसमें चाहें तो ट्रेवल करते समय कुछ रख के ले जा सकते हैं, ऐसे ही आपको जो इसमें ज़रूरी सामान लगे, या आप ऐसे ही घर पे कुछ करके इसमें रख सकते हैं। आप चाहें तो इससे बड़ा साइज या इससे छोटा साइज, जैसा आपको पसंद है आप घर पे बना सकते हैं। मैं ऐसे ही जब खाली बैठी रहती हूँ तो घर पे छोटे छोटे चीज़ें बनाती रहती हूँ, मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद।